मुझे बहुत अच्छी लगती है फ्रेंच। मैं बना दूंगी, आप देखना। फिर बनाते हैं। आप ही खोलो, करो, सुलझाओ, सब कुछ वैसे ही करोगे। मुझे तो होंगे बाल, पता नहीं। नहीं, कर लूँगी। छोटा है। हाँ। आप भी कलर भी करवा रखे हैं? नहीं नहीं, कुछ कुछ ब्राउन हो रखे हैं ना, वो वैसे ही हो रखे हैं। बाल मैं सुलझा, मैंने तो धो नहीं रखे अभी बाल। फिर भी मेरे बाल अगर मैं ऐसे खोल के और सुलझाऊँ ना ऐसे तीन चार दिन बांध के, तो रियली मैं ये कहूँगी कि मेरे बाल मैंने पूरी छुट्टियों में नहीं बनाए थे। मैं भी नहीं बनाती बाल अभी, तो ये आपने बोला है ना, इसलिए बना दिया, नहीं तो वो जुड़ा ही बना हुआ रहता। जब तक मुझे कहीं बाहर जाना नहीं होता ना, नहीं मैंने पूरी छुट्टियों में बाल नहीं बनाए थे। जब मैंने तीन दिन लगातार धो के और बाल बनाए ना, तो रियली मेरे इतना बड़ा गुच्छा निकला। हाँ मेरे भी अभी देखना, मुझे भी बाल निकले। और यहाँ पे बच्ची इतने प्यार से मेरे बालों को सुलझा रही थी, और आप सामने देख रहे हो, कहाँ देख रही है, तो सामने मूवी चल रही है, तो वो मूवी भी देखती जा रही थी साथ साथ, हम दो, हमारे दो शायद, और मेरे जो बाल भी सुलझा रही थी। मैं पहली बार किसी बच्ची से अपना हेयर स्टाइल करवा रही हूँ। किसी से नहीं करवाएगी पहले? नहीं, मुझे फ्रेंच छोटी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक ऐसा होता खुद से नहीं बनती, मेरी नहीं बनती, मैं किसी और की तो बना देती हूँ। वैसे वही बात मेरे साथ है। हाँ। मेरे से भी खुद की नहीं बनती। बाल सारे सुलझ गए हैं। वो तो आप जितनी बार बनाओगे उतनी बार उलझते रहेंगे, ऊपर लेते हैं तो उलझते हैं ना। लाओ मैं निकालती हूँ। कंफर्टेबल हो ना, मैं ऊंची तो नहीं हूँ ना ज्यादा। मैं ऊंची हूँ, मतलब मैं ठीक हूँ ना। आपको इजी है ना? मांग निकाल के बनाओगे? जैसे बना रही हूँ वैसे बना रही हूँ। You see in the camera how I make the So, यहाँ पे बाल सुलझ चुके हैं बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही प्यार से, ध्यान से इसने मेरे बाल सुलझाए, और अब जो है वो चोटी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। मैं खुद नहीं जानती क्या बनने वाला है। आई जस्ट ट्रस्टेड हर कि मैं आपकी चोटी बनाऊंगी, एंड आई सेड येस, एंड होपफुली वो अच्छा ही बनाएगी। जितना डेडिकेशन के साथ वो बना रही है, आई थिंक द रिज़ल्ट विल बी गुड। सो जस्ट वेट फॉर द रिज़ल्ट। अब यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्रेंच है या क्या है, मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज थी। सो ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाई है, एट लास्ट मैंने क्वेश्चन कर ही लिया। आपको पता है ना फ्रेंच कैसी होती है, मैं किस चोटी की बात कर रही हूँ? जो पतली पतली प्लेट की बनाते है ना, वो फ्रेंच नहीं है, तो वो खजूर की होती है। हाँ वो ही बनानी है मुझे। अच्छा वो खजूर की बनानी है क्या? आती है आपको? अगर बन जाएगी तो बना दी। मेरे को लगा आप फ्रेंच बनाने की बोल रहे हो, उसे फ्रेंच नहीं कहते तो? उसे खजूर कहते हैं, वो खजूर की होती है। हाँ। तो फ्रेंच कैसी होती है? आंटी जैसे बनाते नहीं, वैसे ही बता दो मुझे। जैसे इधर से मैंने बाल लिए, रुक जा बेटा। हाँ फिर इधर से एक एक लेयर इसमें लेती गई, लास्ट में यहाँ पर। हाँ वो भी अच्छी लगती है। हाँ तो बस, तो मुझे तो आपको ऐसी वाली फ्रेंच अच्छी नहीं लगती। एक बार चश्मा हटाऊंगा, कष्ट करेंगे। केड़ी लगा रहे हो? नहीं मान के छू बीच की। ये तो बीच नहीं है, ये तो बीच नहीं है। नहीं पर ये बीच नहीं है, ये साइड है। अरे राम राम, बीच चाहिए आपको? हाँ बीच की चाहिए। हाँ ये तो को पारी नहीं निकल रहा।
तो बस यहाँ से मेरी चोटी बनाने की पूरी बागडोर मैंने बच्ची के हाथ में दे दी, और मुझे ये था कि वो जो भी बनाएगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से बना रही थी और जिस हिसाब से अपना 100% दे रही थी, उसको भी मन में डाउट था पता नहीं मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, बट वो जो भी बना रही थी और जो भी मेरे बालों के साथ कर रही थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी एज के हिसाब से जो वो मतलब एफर्ट्स लगा रही थी वो एक्चुअली मैं बहुत अप्रिशिएट करना बनता है उसको। सो जिस तरीके से इसने बनाया इनिशियली तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में इसने मुझे क्लियर कर दिया कि आंटी मैं ये नहीं ये बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ में वो मेरे बालों की एक एक फ्लेक्स लेके और किस हिसाब से जो है वो बना रही है, मेरी भी हेल्प लग रही है उसको बालों को पकड़ने के लिए। तो जो भी था एंड मैं तो बस रिजल्ट्स को लेके एक्साइटेड थी, बिकॉज ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने कभी हेयर स्टाइल करवाया नहीं है किसी भी तरह का, मतलब मैं करवाती ही नहीं हूँ ना कभी किसी ने किया है। तो ये जो भी कर रही थी वो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सूदिंग लग रहा था और बहुत रिलैक्स मिल रहा था वो जैसे जैसे बालों में हाथ घुमा रही थी। तो बस जो मैं जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से वेट कर रही थी वो यही था कि फ़ाइनल रिजल्ट्स क्या दिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने अपनी ज़िंदगी के में कभी सेंटर पार्टीशन नहीं किया अपने बालों में, बिकॉज़ वो मेरे फेस पे बिल्कुल सूट नहीं करता एंड आई गेस यहाँ पे भी वो सूट नहीं करेगा। बट फॉरगेट अबाउट द पार्टीशन एंड आई जस्ट ओनली फोकस ऑन द हेयर स्टाइल व्हाट शी इज़ मेकिंग। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखो तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे ना इस साइड में दोनों तरफ बाल बहुत कम है, तो आप देख सकते कि मेरा जो खोपड़ा दिख रहा है दोनों तरफ से तो कवर अप भी नहीं हो सकता। सो जो भी है उसके बारे में छोड़ते हैं हम बात करना और बस ये देखते हैं कि वो किस तरीके से बनाती है। सो यहाँ पे उसने मेरा ऑलमोस्ट एक साइड कंप्लीट कर दिया है और नेक्स्ट साइड पे आ गई है। सो वो नेक्स्ट साइड पे भी सेम ही प्रोसेस फॉलो करेगी। जब इनिशियली इसने मुझे कहा था कि मैं आपका हेयर स्टाइल करती हूँ, मुझे लिटरली बिलीव नहीं हुआ था कि वो कुछ कर पाएगी, बिकॉज एज बहुत छोटी है एंड शी इज़ जस्ट अ किड। बट चलो ठीक है, एक चांस तो देना चाहिए। तो मैंने भी कहा चलो मैं भी अकेली हूँ और आई वॉज जस्ट गेटिंग बोर एट होम और संडे था तो बच्चे आ गए घर पे, तो बस इन्हीं के साथ मेरा इतना मन लग गया और पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो काफ़ी देर तक तो उसने मेरा हेयर स्टाइल ही किया। सो ये देखिए सेकेंड साइड पर भी वो सेम प्रोसेस रिपीट कर रही है जो उसने मेरे अदर साइड पर किया था। तो बस ये देखो, और वो एक एक फ्लिक लेते जा रही थी, राउंड राउंड घुमाया जा रही थी। बट हाँ, मैं अगर बात बताऊँ, मुझे ये हेयर स्टाइल के बारे में नहीं पता था, मैंने लोगों की बनी हुई देखी है बट जब भी देखी तो यही सोचती हूँ यार वो कैसे बनाते होंगे कैसे करते होंगे। तो आज चलो मुझे एक चीज़ तो पता चली कि इस टाइप से हेयर स्टाइल बनती है, ये बात की बात है कि वो मैं अपने आप पर बना पाती हूँ या नहीं, बट फॉर श्योर मैं इस हेयर स्टाइल को किसी और के ऊपर तो ज़रूर बना सकती हूँ। तो मेरे दोनों साइड्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और आप देख सकते हैं मुझे लुक लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ निकल के आएगा। हाँ, ये हेयर स्टाइल मेरे फेस पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा वो एक अलग मैटर है, वो एक सेकेंडरी मैटर है। जैसे कि आई हैव टोल्ड यू कि मैं सेंटर पार्टीशन नहीं लेती हूँ, बट जस्ट लीव अबाउट माई फेस एंड जस्ट फोकस ओनली ऑन द हेयर स्टाइल अगेन। सो हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है और जो उसने बनाया है वो भी बहुत अच्छा बनाया है। अब ये नीचे के बालों के लिए सोच रही है कि आंटी को क्या बना के दूँ मैं। सो कुछ साइड में मेरे एरोप्लेन के जैसे पंख निकाल के मुझे पकड़वा दिए हैं, मैं पकड़ के बैठी हूँ एंड आई डोंट नो व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू विद द हेयर। एंड ना उसने बोला चलो छोड़ो मैं कुछ और करती हूँ। आई डोंट नो, आई लिटरली डोंट नो कि वो क्या बनाने वाली है, वो सिंपल रखेगी या वो कुछ, वो मतलब कोशिश कर रही थी कि वो मुझे खुश करे। खुश तो मैं ऑलरेडी हो चुकी थी जो हेयर स्टाइल उसने ऊपर किया उसी से। एंड सो बस मैं यही देख रही थी कि वो क्या करती है, और साथ के साथ हम दोनों मूवी देख रहे थे। यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गई तो वो अपने बालों पे कुछ करने की कोशिश कर रही थी, शायद वो सेम चीज़ मेरे बालों पे अप्लाई करना चाह रही थी। तो फर्स्ट वो ट्राई कर रही थी कि होगा कैसे। होता है कई बार हम लोग कर आता है हमें वो चीज़, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कैसा करना है। सो सेम थिंग शी वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू डू ऑन हर ओन हेयर। एंड यहाँ पे आई गेस उसको दिमाग में आ गया है फाइनली कि वो मेरे बालों के साथ क्या करना चाहती है। और ये उसी का छोटा भाई है कान्हा, जिसे इसने मुझे आज इतनी किसेस दी है, इतनी किसेस दी है। आई थिंक फर्स्ट टाइम किसी बच्चे ने इतनी किसेस की होगी। बस आ रहा था और बार बार किस कर रहा था कि कैमरा में सिर्फ एक ही कैप्चर हुआ, बट ही वॉज जस्ट कीप कंटिन्यूइंग किसिंग मी, यू नो। एंड देन यहाँ पे वो कुछ नीचे वाले बालों के साथ कुछ तो डिफरेंट करने का कोशिश कर रही थी, इतना तो मुझे पता है। वो चाह रही थी कि वो कुछ अलग से बनाए, बट एट लास्ट फिर शायद वो परेशान हो गई या वो जो चाह रही थी वो नहीं बन पाए। तो आई टोल्ड हर कि आप सिंपल सी जो हमारी ब्रेड बनती है वही बना दो, बिकॉज ऊपर से हो गया सो नीचे से अगर आप कंटिन्यू भी करोगे सो इट विल लुक सो नाइस। सो नीचे से बस उसने बाल सिंपल छोटी गुथी,
रबर बैंड लेने के लिए अंदर गई, और जैसे ही रबर बैंड लेके आई उसने मेरे बालों में जो है नीचे से रबर बैंड इस तरह से लगा दिया। एंड लिटरली हेयर फॉल की प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा परेशान हूँ मैं, इतना ज़्यादा, ऊपर से भी जो बारिश का सीज़न है इसमें तो ऐसे लगता है कि ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो एक दिन तो सच में टकले ही हो जाएंगे। सो आप ये देखो, ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने बच्चे ने जिस हिसाब से बनाया उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। हम लोग वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो एक हेयर आर्टिस्ट करता है, बट उसकी उम्र के हिसाब से और उसकी जो भी है वो उसके बचपन के हिसाब से उसने मतलब बहुत अच्छा बनाया है। एंड मैंने भी उससे एक आज एक नई चीज़ सीखी, तो सेम थिंग आई कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन समवन्स अदर हेयर। एंड देन ये नीचे वो शायद कुछ खजूर बनाने की कोशिश कर रही थी जो वो पहले ऊपर बनाना चाहती थी, बट समहा उससे हुआ नहीं, सो वो नीचे भी कंटिन्यू कर रही थी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है बनाने दो। बट फाइनल लुक छोटी का मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो बस इसी तरह से इसने मेरी छोटी बनाई जो उसे भी अच्छी लगी और मुझे भी अच्छी लगी। एंड मेरे बाल बहुत ज़्यादा मैसी है, एक्चुअली बेबी हेयर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से एक अनइवन से दिखते हैं पूरे बाल, एक फ्लो में नहीं लगते हैं पूरे, तो उसकी वजह से हो सकता है शायद लुक ना आ रहा हो, लेकिन ओवरऑल जो भी हेयर स्टाइल था वो बहुत अच्छा था एंड आई वॉज लिटरली हैप्पी। और इसी के साथ ही टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था, बच्चे मेरे पास सुबह से आए हुए थे तो उनकी मम्मा भी उन्हें बुलाने के लिए आ गई। मुझे बोलती आंटी आपने छोड़ा ही नहीं, कैसे बना रही है? अच्छा है, जो बच्ची बना दे वही ठीक है। मैंने बाल का रख दिए, मुझे बोलती आंटी मैं आपकी छोटी बनाऊं, उनका बना दे। लेटी बनाती हूँ, मतलब 2:30 बज जाती है, खाती हूँ, उठती लेट हूँ ना, फिर चाय पी लेती हूँ, दो बार चाय पी लेती हूँ। तो नहीं मैं बना लूँ, ये मैंने कहा बच्चे आप लोग नहाए नहीं, बोले हम लोग नहाए भी नहीं अभी तक, आज हमने संडे को हमारे, आप भी नहीं नहाए? नहीं मैं तो नहा ली, गेट बंद है भाभी, वो निकल गई शायद, बैठी है क्या, बंद है ना, हाँ ठीक है, नहीं कुंदी रहने दो, वैसे ही फिट बंद कर दो। हाँ रबड़ तो ऊपर लगाया है और नीचे तक गुद्दियाँ, ऊपर से बनाती है, ऊपर से बननी रही थी ना। मुझे और किसी का तो पता नहीं, लेकिन मुझे छोटी बहुत अच्छी लगी और बच्ची ने अपनी उम्र के हिसाब से जो एफर्ट्स लगाए और जो प्यार दिखाया छोटी बनाने के लिए, आई लिटरली अप्रिशिएट दैट एंड मुझे बहुत अच्छी लगी। सो थैंक यू सोमिया फॉर अ ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल।